así va, Ángel. Tu pan sí va, Ángel. Va, Ángel, torada ya, torada, torada. Yeah. 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 Ye
अच्छा चलो चलो ले लेना जल्दी क्लैपिंग करो बेटा सबको पहला एक साथ आगे ये वाला कौन पकड़े करो जल्दी जो गए Thank you.
ਕੋਈ ਸੱਟ ਲਗਾਓ ਸਰ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ से खेले कोई दुर्भावना ना हो और जीत हर कोई जीत नहीं सकता पर बड़ी बात यह है कि पार्टिसिपेट कौन करता है इसलिए जजेस को भी न्यूट्रल होके डिसीजन लेने और बच्चों को खेल के खेल भावना से खेलना है और जो अपने स्कूल की अंजलि है वो अभी आपको स्पोर्ट्स की जो ओथ होती है वो आपको ओथ दिलाएगी उस ओथ के अनुरूप ही आपने इस समारोह को संपन्न करना है और अंजलि को मैं स्टेज पर बुलाता अंजलि चेस्ट स्पोर्ट्समैनशिप एंड एंथुसिएज्म वी वोंट वायलेट एनी रूल एंड रेगुलेशन एंड विल फॉलो दैट यू शुड हैव सम जेस्ट एंड जील इन योर स्पिरिट्स Today is the momentous and pleasurable day. Today is the big event, one of the big event of two. Second one is annual function and first is today. So we should have some enthusiasm, zest and gel. Today is the day, like it is said, that academics and games are two aspects of the same coin. We can't progress only by performing well in the academics or we can't do well only playing games
both are required in today's modern era. So games are very essential, integral part of our lives. Games and sports keep us fit, energetic, and very nice, soothing. We should have refreshed minds, and that can be done only by playing games and sports. So today is the day all the teachers are ready, all the students are ready to show their talent in various activities of athletics, long jump, and whatever the events are going to be organized today. So I hope that each and every student will participate, because mass participation is must. We should take part in the games, in the activities, as well as in academics, more than the number required. Then and then only it can be successful. So I wish you a good luck for today's event, and hope from your side that you won't violate any kind of rules and regulation. You will follow the referee's decision, and all the judges will do their job sincerely, and all the teachers will maintain the discipline. Thank you very much. ये सभी हाउसिंग के बच्चे ताली। 400 मीटर फाइनल रेस। प्लस वन प्लस टू। शाबाश पंकज। टेरेसा हाउस। पीछे मुड़ के मत देखो। शाबाश, बहुत ज्यादा अंतर है, सबसे आगे पंकज, टेरेसा हाउस, पंकज प्रथम से, तालियां बजाएंगे टेरेसा हाउस वाले। शाबाश, एक चक्कर पूरा हो गया। शाबाश, अंकुश नाइन्थ क्लास से, अच्छा उसे है, इंद्रा उसे, शाबाश अंकुश, पढ़े, कतल मुई थे, अब लास्ट चलेगा, ये ग्राउंड हो रहा है, सिक्स, सेवन, एट, हो चुके, सभी हाउसेस के 100 मीटर की दौड़ में बच्चे ग्राउंड में आ जाएंगे, सिक्स, सेवन, एट, नारो है जी। ऐसे ही हाउसिंग के बच्चे यहाँ बैठे हैं, जो जोर से
शाबाश टेरेसा टैगोर इंदिरा टेरेसा 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 लॉन्ग जंप के लिए सभी लड़कियां सभी हाउसिंग से विकास सर के पास चली जाएं। गैप मार गया वो है समझ के नहीं ये इधर हो जाए इसे ट्रैक से ध्यान से एक इधर के लिए कल्पना हाउस कितना डिफरेंट बिल्कुल ध्यान से इसके बढ़िया शाबाश आ जा दूसरे भाई Thank you.
देखे सारे अरे
ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು
Chao, 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 chao.
गड़े काले चले दौड़े कैच के दौड़े दे दो चार पॉइंट आगे से ठीक है अरे मार मैं मैडम बड़ा पॉइंट दांग सारे मारना बढ़िया जीत गया चले चले स्वागत करेंगे माननीय मुख्य अतिथि महोदय शेर सिंह पब्लिक स्कूल की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न हुई। इसमें विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया गया जिसमें विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देने के लिए हमारे मध्य विद्यालय के सलाहकार एवं प्राचार्य डॉक्टर मुकेश रोहिल पधार चुके हैं। मैं माननीय For 800 meter race, first is Pankaj from Teresa House. तीनों विद्यार्थी एक साथ आएंगे। हाँ जी सर। ये जोरदार सभी आवश्यक करतल दौनिया कंजूसी ना करें। तीनों बच्चे इकट्ठे आएंगे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तीनों स्टूडेंट्स इकट्ठे स्टेज पर आएंगे। नाउ जिसने सभी स्पर्धाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नाउ दिस इज फॉर लॉन्ग जंप गर्ल्स। फर्स्ट इज हिमांशी फ्रॉम डेरिसा हाउस, सेकंड इज अनु फ्रॉम इंदिरा हाउस एंड थर्ड इज तनु फ्रॉम इंदिरा हाउस। प्लीज क्लैप लाउडली फॉर द 12th गर्ल्स। From Teresa House, second is Anjali from Teresa House, and third is Anu from Indira House. Please, boys. First is Pankaj from Teresa House. Second is Ashish from Teresa House and third are two students. Now class 9th and 10th 100 meter race boys. First is Mohit. Students for 800 meter race. First is Ankush from 800 meter race. Ankush, Mohit and Rahul. Thank you, sir. Please come on the stage. This is for 100 meter race girls. First is Tanisha from Kalpana House. Second is Sweeney from Tagore House. And third is Kapi from Indira House. All the three winners are from Tagore House. Mohit, Bhupender and Neeraj. House. Now 6 to 12. Three rank race throw for girls. First is Ishika and Sweety from Tagore House. Second is Palak and Tamanna from Teresa House.
And third one, Tanu and Neha from Indira House. Three leg race. Ishika Sweetie first. Palak Tamanna. Long jump race girls, Neha is one from Teresa House. Clap loudly, students. The students who are sitting back, please be an address. Palak also from Teresa House. Clap loudly for Teresa House. Thank you, sir. Now, Harshit, Harsh, and Mani students, motivate the students. Harshit, Nitin, and Karan from Rashi, Ritu, and Nitika. First is Rashi, second, long jump race for boys, class 4. Second is Anshita from Teresa House. And third is Kanak from Indira House. Anji sir. Sakshi, Anshita and Kanak, come fast. From Indira House. Second is Neeraj from Indira House. And third is Aryan from Kalpana House. Anji sir. Nancy, come fast. Anshita, Kanak and Nancy. Anji sir. And this is the last event of the sports meet. Teresa House. Second is Pratiksha from Teresa House. And third is Lucky also from Teresa House. So clap loudly for Teresa House. The winners. And all the teachers. It is an important event. When it comes to sports meet, we find that all students get excited and they participate in various activities, various events, I would say. Children, whenever we participate in any event or activity, we have to remember two things. Someone has to become victorious and someone has to face the defeat. Both are the part and parcel of life. At every step, sometimes we win, sometimes we lose the battle. And the most important factor is those who believe that after losing the battle, we learn much, they always become victorious. And the people who become victorious and then they become egoistic, then they lose every battle. So this is the most important message that everybody has to give to the other and has to retain, that we are to remain
peaceful. Do not be so much delighted when you become victorious, and do not feel distressed when you lose something. Winning and losing both are important in our life, because when you do not lose, you do not know the significance or the importance of that particular thing. In life, we lose many things, not only one. Many things are lost. Sometimes we lose our near and dear ones. Sometimes we lose our belongings. Sometimes we lose the race. Sometimes we lose the other things. The only thing that you have to remember is you have to keep trying, try hard, and it's always better next time. Doesn't matter. Those who have got second position, third position, they can strive hard for getting the first position. Those who have not got any position, they are not to feel sad, they are not to think that they will never get any position. You are to work hard, and those who work hard, keeping in mind their potential, their strength, and by taking the blessings of your elderly people, maybe parents and maybe your teachers, because they are always your well-wishers. And I hope that those who are receiving education here at the school and those who are imparting education here at school, they all are lucky people, because they believe in human values, they believe in moral values, and they always respect their elders. So congratulations to all those who have got medals today, who have got positions, and hope that they will keep striving for the next positions, and you will always bring laurels to your school, family, and the nation as well. Thank you. शेर सिंह पब्लिक स्कूल के वार्षिक दो दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का मोस्ट हार्ड वर्कर स्टाफ मेंबर्स स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं अपने साथी स्कूल के एडवाइज़र डॉक्टर मुकेश रोहिल का धन्यवाद करता हूँ कि अपना स्कूल छोड़ के यहाँ आपके लिए वक्त निकाला। और आपको एक बात और बता दूँ, जितना ध्यान ये आपका रखते हैं उस स्कूल का बाद में रखते हैं, आपका पहले रखते हैं। कभी भी बुला लेते हैं, फ़ोन कर देते हैं, उसी टाइम हाजिर हो जाते हैं। ऐसी शख्सियत इस स्कूल की एडवाइज़र है, मुझे बड़ा गर्व है, फ़क्र। आज सुबह से टूर्नामेंट स्पोर्ट्स मीट चल रही है, मैं देख रहा था कि स्टाफ सिंसियरली वर्क काम कर रहा था, बच्चे बहुत डिसिप्लिन में थे। और डिसिप्लिन क्यों था, ये स्टाफ ने डिसिप्लिन सिखाया, आपकी मेहनत रंग लाई है, आपने डिसिप्लिन इनको सिखाया, और बड़े ही सब तरीके से और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से टूर्नामेंट हुई। मैं बधाई देता हूँ उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने मेडल्स जीते, और बधाई उन स्टूडेंट्स को भी देता हूँ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। जितना जितना इम्पोर्टेंट है, जितना जितनी खुशी है, पार्टिसिपेट करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। जीत अच्छी चीज़ है, हार हमेशा शिक्षा देती है, और पार्टिसिपेट करना, हौसला कायम रखना, बुलंद रखना और आगे के लिए तैयारी करना, यही तो मेहनत है, यही तो आगे बढ़ने की निशानी। सुबह से आप लोग मेहनत कर रहे हो, प्रोग्राम को बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हो, सभी टीचर्स का मैं धन्यवाद करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की, बढ़िया तरीके से ये स्पोर्ट्स मीट को ऑर्गेनाइज किया। और सभी बच्चों को बधाई देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, और अंत में फिर एक बार डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ कि आप आए, इन बच्चों का हौसला बढ़ाया। धन्यवाद। जय।